हे दोस्तों, सैमसंग ने इंडिया में एक और नया धमाकेदार फोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग A20s। ये फोन आपको 11,999 में आता है, जिसमें आपको 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज मिलने वाली है। इस फोन में एक और वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, 4GB रैम और 64GB वाला, जो कि आपको लगभग 14,000 का फोन है। ये फोन की अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन इतने तो मजबूत नहीं लग रहे, और लग रहा है सैमसंग दिन पर दिन अपने ब्रांड के नाम पर बस पैसे ले रहा है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लगभग 6.5 इंच की HD+ इन्फिनिटी व्यू वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें आपको प्रोसेसर जो दिया गया है वो स्नैपड्रैगन का 450 दिया गया है, जबकि आपको 14,000 के आने वाले हर फोन में स्नैपड्रैगन का बहुत ही पावरफुल 712, 710 जैसे प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लगता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं कटौती की है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी 15W। इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर आएगा, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे में देखने को मिलेगी। इस फोन की एक अच्छी बात यह है कि USB Type-C के साथ ये फोन आने वाला है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, सैमसंग A20s लेने लायक है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि इससे अच्छे अच्छे फोन मार्केट में मौजूद है। अगर हम बात करें इसमें 11,000 रेंज में, तो यहाँ पे आपको 4 GB के साथ इनफिक्स हॉट 8 है, जो आपको 7,000 में आ रहा है। रेडमी का नोट 7S है जैसे फोन है, और रियलमी का 3 प्रो, रियलमी का 5 और 5 प्रो जैसे फोन है, जो इस प्राइस में बहुत धमाकेदार फीचर के साथ आते हैं। और सबसे लेटेस्ट रियलमी का XT और X जैसे फोन भी आपको 15,000 में आ जाएंगे, जिससे 1000 गुना ज्यादा अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सैमसंग A20s लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताएगा आपका, आपको क्या लगता है कि आप किस कारण से इस फोन को लेंगे, जरूर कमेंट में बताएगा। अब इस चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।